नमस्कार सर, ये मेरी माताजी है, बराबर में बैठी है वो, श्रीमती केसरी देवी कुमावत, वाइफ ऑफ श्री मुरलीधर कुमावत, निवासी चौमू। मैं इनका पुत्र हूँ, रमेश कुमार कुमावत, और मैं आज इस संबंध में आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ कि मेरी माताजी को अचानक से ल्यूपस नाम की प्रॉब्लम होती है, जो बीमारी होती है वो हुई थी। उसका पता हमें लगभग 4 महीने पहले चला, ठीक है। इनको डायरेक्ट क्या हुआ था, इनके बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हुई, उसकी वजह से इनको चक्कर आना स्टार्ट हुआ और उल्टियाँ होने लगी। तो हमने हॉस्पिटल में इनको दिखाया तो वहाँ पे ब्लड की कमी बताई गई, तो हमने इनको 2 यूनिट वहाँ पे ब्लड चढ़ाया, ठीक है। उसके बाद में फिर दोबारा से इनको ब्लड की कमी हुई, तब हमें ये पता चला कि इनको ल्यूपस नाम की प्रॉब्लम है। वहाँ पे हमारे से बायोस्पिक और कई अन्य प्रकार की जाँचें करवाई, और यहाँ पे फिर हम लोगों के बताने के अनुसार डॉक्टर अखिल पवन गोयल से मिले। तो यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत बेटर लगा कि यहाँ पे आने से हमारे को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई जवाब मिला, सेटिस्फाई इलाज मिला, ठीक है। डॉक्टर सर ने हमारे को देखते ही फर्स्ट में ही आशंका जता दी थी, भाई जहाँ तक लगता है इनको ल्यूपस नाम की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उन्होंने जाँच करवाई थी, ठीक है। जांच में वही ल्यूपस नाम की प्रॉब्लम आई, उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू 4-4.5 महीने से यहाँ पे बराबर चल रहा है, ठीक है। आज पहले से काफ़ी बेटर है। पहले जब इनको प्रॉब्लम हुई, उठा नहीं जाता था, चला नहीं जाता था, सिर्फ बेड रेस्ट, ठीक है। उल्टियाँ होती थी, दस्त होते थे, इनके पाँव में सूजन, उंगलियों में सूजन, चेहरे पर सूजन, ठीक है, जिससे हम सभी परेशान रहते थे, ना खाती थी ना बोल पाती थी अच्छी तरह। तो हमने यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद में डॉक्टर सर ने यहाँ स्टेरॉइड स्टार्ट किया, उसके बाद में आज नतीजा ये है कि हॉस्पिटल भी मेरी माँ चल के आई है, ठीक है, और चलती चल लेती है, फिर लेती है, खाती भी है, बोलती भी है, और हल्का फुल्का काम भी कर लेती है। बट अभी पूरी बीमारी अच्छी तरह ठीक नहीं हो पाई है। डॉक्टर सर ने हमारे को बताया है कि अभी कम से कम 3-4 साल इसका ट्रीटमेंट दवाई मेडिसिन से चलेगा, तो उसके लिए हम आज यहाँ आए हैं। तो कभी भी किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जिससे डॉक्टर सर जो बताए वो जांचें करवाए। इस बीमारी में लापरवाही करना है खतरा, तो ज़रूर इसको समझे और लोगों तक पहुँचाए।